डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस और इनके यूजेस क्या हैं। सलाम एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद रऊफ एंड यू आर वाचिंग रूफी कैस्ट। ओके सो गाइस, आज के अपने वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो है हम लोग डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में जानेंगे कि दोनों चीज़ें होती क्या हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और इनका हम यूज़ किस लिए करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो हम लोग डोमेन को देखते हैं, मान लीजिए आपका जो घर है वो एक कॉलोनी में है, ठीक है ना, और उस कॉलोनी का कोई भी नेम दे देते हैं हम लोग, चलें कॉलोनी को नेम दे देते हैं ए नेम, और उसके अंदर जो है स्ट्रीट 5 में आप लोगों का घर है, और घर का आगे फिर आप लोग कोई और नंबर रख सकते हैं लाइक 25, ठीक है ना, ये आपका घर का नंबर है। अब आपने किसी को अपना एड्रेस देना है, वो बंदा आप ही की सिटी के अंदर गए, तो आप लोग उसे क्या बताएंगे? सबसे पहले आप लोग बताएंगे भाई फलां कॉलोनी है, उसमें आओगे स्ट्रीट नंबर ये है, देन मेरा हाउस नंबर ये है। तो आप लोग जो है जब उसे ये चीज़ बताओगे तो इससे जो है वो फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शन को आपके घर तक पहुँच देगा। इसी तरह से जो है हम लोग वेबसाइट्स में इसी तरह हमने एक एड्रेस यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हमारा डोमेन नेम, ठीक है ना। डोमेन नेम, अब मैं आप लोगों को ना कुछ फेमस डोमेन नेम बताता हूँ, लाइक google.com है, facebook.com, instagram.com, ठीक है, twitter.com, ये जो है ये सभी हैं डोमेन नेम्स। और ये डोमेन नेम जो है इन वेबसाइट्स के एड्रेस हैं, इन सर्च इंजन के, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एड्रेसेज हैं जिनके ज़रिए जो है हम लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। अब इसी तरह से जो है हमारी होस्टिंग है, ठीक है ना, लेकिन होस्टिंग हमारा एड्रेस नहीं है, होस्टिंग जो है हमारा स्टोरेज प्लेस है। तो अब जो है ना हम लोग इसे भी अपने प्रीवियस एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप लोगों का इसी तरह कॉलोनी में घर है, आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसका एड्रेस बताया, वो एड्रेस तक आ गया, बट घर के होने के लिए भी जो है हमें प्लेस तो चाहिए ना, ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, देन ही हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा घर है। ऐसा तो नहीं कि हम हवाओं में ही बात कर दें। तो अब इसके लिए जो है हमें सबसे पहले घर बनाने के लिए जगह लेनी पड़ती है, देन जो है उसके ऊपर इमारत हमारी खड़ी होती है, हमारी बिल्डिंग बनती है। सो जो ये प्लेस है, ठीक है ना, जिसने हमारे घर को अपने पास रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमारा घर मौजूद है, इसी तरह से जो हमारी होस्टिंग होती है, होस्टिंग क्या है, बेसिकली आप लोगों के ऑनलाइन सर्वर्स हैं, वर्चुअल सर्वर्स हम लोग इन्हें कह सकते हैं, जिनकी हमें लोकेशन नहीं पता। हम जो है उसके अंदर कुछ स्टोरेज प्लेस परचेज करते हैं और हमें जो है इसकी मंथली, ईयरली या फिर जो है 2 ईयर 4 ईयर तक जो है बहुत सी वेबसाइट्स आप लोग को ऑफर करवाते हैं कि आप लोग वहाँ से लीज पर अपने लिए, अपनी वेबसाइट के लिए जो है स्टोरेज ले सकते हैं। और आप लोग जितने वक्त के लिए लेते हैं उस वक्त के बाद आप लोगों को दोबारा से कंपनी को पे करना होता है ताकि वो आप लोगों को स्टोरेज प्लेस प्रोवाइड करते रहें और आप लोगों की वेबसाइट की फाइल्स वहाँ पर पड़ी रहें। तो अब जो है हम लोग आते हैं अपनी लैंग्वेज पर, यानी कि एक IT के डिवेलपर की लैंग्वेज से समझते हैं। डोमेन नेम हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिस एड्रेस की मदद से हमारी वेबसाइट को लोग फाइंड आउट करते हैं, विजिटर्स फाइंड आउट करते हैं। और जो हमारी होस्टिंग है, हमारी होस्टिंग जो है हमारा सर्वर है, ठीक है ना, वो किसी भी जगह पर हो सकता है, वो पाकिस्तान में, इंडिया में, US में, UK में, ठीक है ना, जर्मनी में, किसी भी जगह पर हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है हम लोगों ने एक पर्टिकुलर मेमोरी ले रखी है, देन उसके ऊपर हमारी वर्डप्रेस की या हमारी वेबसाइट की फाइल्स जो हैं वो होस्टेड हैं, वो फाइल्स वहाँ पर पड़ी हैं, ठीक है ना। और हम लोग जो है अपने लैपटॉप की मदद से या किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से अपने होस्टिंग को, अपनी डोमेन को जो है एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट जो है हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। सो आई होप अब जो है ना आप लोग डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में जान गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि हम लोग डोमेन एंड होस्टिंग परचेज किस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। देन इसी तरह फर्दर हम लोग अपने कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे। अगर जो है आप लोगों ने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाकर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाजमी से आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी फीडबैक लाजमी देकर जानी है। ओके सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।